नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज 27 दिसंबर और दिन मंगलवार का, साल 2023 ख़त्म होने में कुछ ही दिन शेष है और इस समय घाट पर क्या स्थिति है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं दशाश्वमेध शिल्प। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपडेट देते हैं 27 दिसंबर क्या घाट की स्थिति है। ये दृश्य आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन के पास नंदी की प्रतिमा दीवार पर बनाई गई है। आगे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दशाश्वमेध का परिचय यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से दिया हुआ है। आप इस परिचय को यहाँ पर देख सकते हैं, दूर से ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन परिचय। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग, गंगा नदी में नाव का दृश्य और ऊपर महादेव। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कल्पचर बना हुआ 3D मॉडल, ये सभी 3D मॉडल है, ये आप देख रहे हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं भोलेनाथ, काफ़ी खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत होता है यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं स्कल्पचर यहाँ पर 10 अश्व यहाँ पर बने हुए हैं। और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दृश्य है पूरा। और ये दशाश्वमेध भवन फिलहाल साल ख़त्म होने को है 2022 और ये भवन अभी भी ओपन नहीं हो पाया है। और यहाँ सामने का आप नज़ारा देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। बहुत ही जल्द इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी। चलिए अब चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। देख रहे हैं आप दशाश्वमेध घाट, नीचे उतरते समय सीढ़ियों पर ये दोनों तरफ दुकानें आपको दिखाई देंगे। देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट और सामने आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट। देखेंगे तो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट काफी साफ दिखाई देता है। ये सभी नमामि गंगे के तहत ये घाट की सफाई की जाती है। ये देख रहे हैं सामने की तरफ गंगा नदी, ये दशाश्वमेध घाट से आपको दृश्य दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए। ये आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट, यहाँ पर नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म के आज काफी चटक धूप निकली है और ये घाट के सामने आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट और उसके ठीक बगल में मान महल घाट है। ये मान महल घाट आपको इस तरफ दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मान महल घाट। ये देख रहे हैं आप मान मंदिर घाट या मान महल घाट, जहां पर आभासी म्यूजियम आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं
और अन्य घाट से आपको अपडेट देते हैं कि साल के बीते बीते घाट पर कैसी स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो नदी के किनारे अधिकतर फूल माला बिखरा दिखाई देता है। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। काफ़ी नीचे गंगा का जल स्तर आ चुका है इस समय। मैं एकदम नदी के तट से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। करीब करीब साढ़े आज मुझे तट पर दिखाई दे रहा है कि फूल माला पूरे तट पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी सफाई की बहुत ही जल्द आवश्यकता है क्योंकि दर्शनार्थी इसी पानी में स्नान करते हैं। जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं यहाँ भी, और ये वाराही घाट ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाराही घाट। चलिए वाराही घाट से आगे होते हुए चलते हैं त्रिपुर भैरवी घाट। ये देख रहे हैं त्रिपुर भैरवी घाट के सामने का दृश्य। और आगे आपको दिखाई दे रहा है मीर घाट। ये देख रहे हैं मीर घाट से आप दृश्य देख रहे हैं। ये है मीर घाट। और इधर देखेंगे तो मीर घाट के सामने ये सभी छतरियों की मरम्मत अब की जा रही है जो बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हो गए थे। देखेंगे तो यहाँ भी इस छतरी की मरम्मत हो चुकी है क्योंकि एक छतरी बाढ़ में गिर गया था। इस साल बाढ़ में काफी तेज गंगा नदी में बहाव था जिसके कारण काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। इधर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्षतिग्रस्त छतरी दिखाई देगी जो टूट के यहाँ पर गिर चुका है। ये देख रहे हैं नीचे से ये आगे चलते हैं ललिता घाट। चलिए यहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो ये आप देख रहे हैं गंगा नदी, काफ़ी साफ पानी दिखाई देता है इस समय।